दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद हम लोगों की बात हो रही है। दरअसल मैं बिजी था अपने किसी काम में, आप लोगों से बात नहीं हो पा रही थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेला वीटा की तरफ से आने वाले इस इम्पैक्ट पचौली के बारे में। आखिर कैसा होता है ये परफ्यूम, बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अंजर, आप सभी को सलाम नमस्ते आदाब। स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल अनबॉक्स हकीकत पर। देखिए दोस्तों, आज काफी एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 15-16 दिन के बाद आज हमारी बात हो रही है। इस दौरान मैं आपको वीडियो बिल्कुल भी नहीं दे पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी था अपने निजी कामों को लेकर दोस्तों। लेकिन इस बीच मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए, या मुझे बहुत सारे इवन मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे बोला कि उनको बेला वीटा की तरफ से आने वाले इस इम्पैक्ट पचौली के बारे में वीडियो चाहिए। और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं जरूर उनको बताऊंगा कि आखिर कैसा होता है ये परफ्यूम। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की आती है इसकी प्रेजेंटेशन। ये 100 ml की क्वांटिटी में आता है दोस्तों। फ्रंट में अपने को देखने को मिल जाता है कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम, परफ्यूम का नाम इम्पैक्ट पचौली। ये एक जो है परफ्यूम फॉर द मैन है, फॉर ओम है। और नीचे 100 ml की क्वांटिटी देखने को मिल जाती है दोस्तों। इस वाली साइड से देखेंगे कुछ भी नहीं है, पीछे की साइड से देखेंगे कुछ भी नहीं है, इस वाली साइड से देखेंगे कुछ भी नहीं है, नीचे की बात करूं तो नीचे भी कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं इस बॉटल की। बॉटल है ये फ्रॉस्टेड। फ्रॉस्टेड होने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपका मिस्ट इसके अंदर कितना बचा है और वो आखिर किस कलर का है दोस्तों। ये थोड़ा सा एक अच्छी चीज लगी मुझे। आप देख पा रहे हैं कि लगभग इसको मैं 60-65% यूज कर चुका हूं दोस्तों, हालांकि काफी पुराना है मेरे पास। बात करते हैं कैप की। कैप आता है कुछ इस तरीके का, ब्लैक शाइनी होता है, प्लास्टिक का कैप है। आप बॉटल को होल्ड कर सकते हैं बट हिला डुला नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, ये निकल जाता है। देखिए अब बात करते हैं इसके एटोमाइजर की। ब्लैक कलर का आता है दोस्तों, फटाफट से स्प्रे करते हैं, बात करते हैं कि आखिर कैसा होता है ये परफ्यूम दोस्तों। देखो क्या नोट्स वगैरह कंपनी मेंशन करती है रियली मेरे को नहीं पता है, बट जो मुझे इससे फील होता है, जो मैं इसमें महसूस कर पाता हूं, सबसे पहला हिट होता है पहले ही स्प्रे के साथ में पचौली। पचौली के साथ में स्वीट इंसेंसेस, लाइक जैसे अगरबत्ती के अंदर कोई स्वीट अगरबत्ती हो, उसके अंदर से जो एक अपने को एक फ्रेग्रेंस मिलती है, जैसे कोई अंबर की एक खुशबू आती है, उस तरीके की एक खुशबू मिल जाती है दोस्तों। उसी के साथ साथ थोड़ी देर बाद, मान के चलिए लगभग आधे घंटे से लेकर 40 मिनट बाद, जब ये अपने सेकंड नोट की तरफ जाता है दोस्तों, तो वहीं इसमें से हल्की बहुत मेरे को एक एरोमेटिक टाइप की ये खुशबू आने लगती है दोस्तों, जैसे कि लेवेंडर वगैरह का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया हो। वहीं ड्राई डाउन में पचौली लगातार अपने को मिलता रहता है। पचौली के साथ साथ अपने को कुछ वुडी हिंट्स मिलने लगते हैं ड्राई डाउन के अंदर, जो कि ठीक ठाक बैलेंस रखा गया है दोस्तों, बट वो एक इंसेंसीनेस का भी एक टच अपने को मिलता है इस परफ्यूम के अंदर दोस्तों। अब बात करते हैं कि क्या कुछ इसकी परफॉर्मेंस मेरे को मिलती है दोस्तों। देखो ओवरऑल मैं इसके करता हूं 8 स्प्रे, 4 स्किन के ऊपर, 4 अपने कपड़ों के ऊपर। तो इससे मुझे जो प्रोजेक्शन मिलता है काफी लाउड होता है, लगभग 4 फीट का प्रोजेक्शन मिलता है घर के बाहर, या किसी इंडोर नहीं, बेसिकली आउटडोर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 फीट का एक प्रोजेक्शन मिलता है दोस्तों। अच्छा खासा सयाज है इसका, काफी लाउड परफ्यूम है दोस्तों ये, बट हर किसी को पसंद आए इसकी बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं मैं, क्योंकि काफी चैलेंजिंग है, हर किसी को पसंद नहीं आने वाला मेरे हिसाब से दोस्तों ये परफ्यूम। अब बात करते हैं कि कितनी देर का ये 4 फीट का पोजिशन देता है। देखो लगभग 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटे के आसपास का ये एक 4 फीट का एक ऑरा क्रिएट करता है, प्रोजेक्ट करता है, लाउड है नो डाउट। अब लगभग 1.25 घंटे के बाद में ये आपका 1 फीट के ऑरा में बनकर चलता है आपके साथ और 1 घंटे के लिए, यानी ठीक ठाक एक प्रोजेक्शन अपने को मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद बात करें स्किन के ऊपर से क्या कुछ अपने को परफॉर्मेंस मिलती है इसकी, तो देखिए स्किन के ऊपर से बड़े आराम से लगभग 4.5 घंटे के आसपास की लॉन्जिविटी इससे मिल जाती है। वहीं कपड़ों के ऊपर से इसकी खुशबू मिलती है अपने को लगभग 8 से लेकर 8.5 घंटे तक, थम्स अप वाली बात हो गई है। तो अब देखिए बात करते हैं कि आखिर किस एज ग्रुप के लोग इस परफ्यूम को लगा सकते हैं दोस्तों। देखो अगर आप मान के चलिए 25 से नीचे हैं मत लगाइए, आपको डेफिनेटली पसंद नहीं आने वाला है। आप 25 प्लस हैं, नो मैटर आपकी एज क्या है,
आप इसको लाइक करेंगे। थोड़ा चैलेंजिंग है बट आई एम टेलिंग यू दिस दोस्तों, इसका ऐसा कुछ भी सीन नहीं है कि आप इसको डेली वेयर कर सकते हैं या आप इसको डेट्स पर या आप इसको ऑफिस या मीटिंग वगैरह पे यूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ आखिर इस्तेमाल करने में मजा आएगा इसको, देखो आप इसको लगाइए, अगर आप किसी होली प्लेस पे जा रहे हैं आप वहां लगाइए, आपके घर के अंदर कोई एक धार्मिक कार्यक्रम है आप वहां इसको लगाइए, ये डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगा ऐसी जगह। और कोई एक फंक्शन है घर के अंदर, छोटा कोई गेट टूगेदर है या कोई बर्थडे पार्टी वगैरह है जो कि ज्यादा लोगों की नहीं है, आप वहां इसको लगाइए तब भी ये आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि मैंने इसको कितने का खरीदा था। देखिए मैंने इसको खरीदा था लगभग आज से मान के चलिए आप एक साल पहले, और उस एक साल पहले से थोड़ा सा ज्यादा डेढ़ साल कह सकते हैं, तब मेरे को ये 1000 रुपीज के 3 परफ्यूम मिले थे बेला वीटा के दोस्तों। और अभी क्या इनका ऑफर चल रहा है मेरे को नहीं पता है, अभी शायद इसका जो लिंक वगैरह है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोस्तों। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस परफ्यूम पीस फ्रॉम द हाउस ऑफ द बेला वीटा दोस्तों। बात करें इसके बारे में तो ये थी सारा निचोड़ जो कि मेरी तरफ से आपके सामने रख दिया गया है। इसके और भी परफ्यूम हैं मेरे पास, अगर आप चाहते हैं उनके बारे में वीडियो करूं मैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और कैसी लगी आपको वीडियो मुझे बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।